विकास अघाड़ी द्वारा आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया। लखीमपुर की घटना के निषेध में आज ये बंद का आह्वान किया गया था। इसमें शहर के विविध स्थानों पर लखीमपुर घटना के निषेध में आंदोलन किया गया। इसी श्रृंखला में सकरदरा चौक पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा निषेध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गयी। लखीमपुर की जो घटना हुई है उसने अत्याचार और अन्याय की परिसीमा तय कर ली। इसके पहले जिस तरह से हाथरस में एक दलित लड़की पर बलात्कार हुआ, उसके घर वालों को उसके अंतिम संस्कार का भी अधिकार नहीं दिया, इस तरह का अत्याचार हुआ। गोरखपुर में मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी को जिस तरह से मारा गया पुलिस के द्वारा, तो जिसको सुरक्षा की जिम्मा है वही अगर लोगों की जान लेने लग जाए तो फिर कांग्रेस ऐसे वक्त शांत बैठ नहीं सकती। आज देश का संविधान, आज देश की कानून व्यवस्था खतरे में आ गई है और इसीलिए आज जो प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने जो आंदोलन छेड़ा है वो आंदोलन संविधान को बचाने के लिए है, वो आंदोलन आम आदमी को, आम इंसान को बचाने के लिए है। आज मैं ऐसा सुन रहा था कि कुछ व्यापारी भाई लोग हमारे खिलाफ, इस आंदोलन के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं उनको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के और उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से गलत तरीके से GST लगाने के वजह से उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, वैसा हर वर्ग में, हर महिला पर ये अत्याचार जो है इस शासन में शुरू है। अगर इसके खिलाफ लड़ना है तो सबको साथ आके लड़ना पड़ेगा अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए। यशस्वी रीतिया यहाँ पे नागपुर में सकरदरा चौक में महिला कांग्रेस के माध्यम से सभी दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए हमने आह्वान किया कि आज जो घटना हुई, आज केंद्रीय राज्य मंत्री मिश्रा इनके बेटे ने जो घटना, किसानों पर गाड़ी चलाकर चार किसानों की जो हत्या की, उस हत्या के निषेध में आज कांग्रेस ने जो आंदोलन छेड़ा है, ये आंदोलन तब तक रहेगा। आज जो है महाराष्ट्र बंद का आंदोलन किया गया है और कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद है। आज जो है महाराष्ट्र बंद किया गया है, जो किसानों की जो हत्या हुई है उस हत्याओं का निषेध करने के लिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से पूरे भारत बंद का आह्वान किया हुआ था। हमने महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, माननीय शरद पवार है, सोनिया गांधी जी है, हमारे उद्धव ठाकरे जी है, उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष भूलाभाऊ ठाकरे, इनके आदेश के हिसाब से दक्षिण नागपुर के अंदर में जो मुझ पर जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा दक्षिण नागपुर बंद किया जाए, आप देख रहे हैं कि सवेरे से हम पूरे दक्षिण नागपुर में घूमते हुए पूरे दुकान और सब, और हम इस बात की मुझे खुशी है कि व्यापारियों ने खुद होकर हमें समर्थन देते हुए खुद ने हमने दुकानें बंद की है। इसके लिए मैं तमाम जो जितने भी दुकानदार हैं उनका मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा। इसी प्रकार का सहयोग वो आगे भी देते रहेंगे और मोदी सरकार का निषेध हम करना चाहते हैं कि जब तक मोदी सरकार और योगी सरकार है, कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी शांत बैठने वाली नहीं है। घटना न होकर ये एक मर्डर है, सूची समझी साजिश के तहत की है। जो किसान अपनी मांगों के लिए पिछले विगत साल भरे से जो आंदोलन पर बैठे हैं, सरकार ने उनसे चर्चा करनी चाहिए, न कि उनका मर्डर कर देना चाहिए। क्या है रोजी रोटी, हर आदमी अपने रोजी रोटी के तलाश में रहता है, उसी प्रकार हमारा जो अन्नदाता है उसकी इस प्रकार हत्या करना, ये महापाप है। इसलिए जो सब सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं गंगा एक चरण पर है, पेट्रोल कहाँ की कहाँ गया है, जो आम जनता है उनको ये दो जुग की रोटी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। यह आंदोलन नहीं, ये एक चिंगारी है, ये सारे भारत देश में फैले। धन्यवाद। लखीमपुर में जो घटना हुई है, शेतकरी जो आंदोलन पे बैठे हैं तो उनके ऊपर जो वहाँ के गृह मंत्री के बेटे हैं उन्होंने शेतकरी के आंख ऊपर है ना, शरीर के ऊपर गाड़ी चलाई और उनका रोल दिया है, उनकी हत्या कर दी है। मरा जो जगाचा पोशिंदा शेतकरी होता त्याची त्यांनी हत्या केलेली आहे। आज आपण शेतकऱ्यामुळे त्यांच्या पोटामध्ये अन्न मिळत आहे आणि त्या शेतकऱ्यांची हत्या केली आणि त्याच्या
याचा निषेधार्थ आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र बंद ठेवलेला आहे. आज याच्यामध्ये सर्व पार्टीचे म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, कम्युनिस्ट, सर्व पार्टीचे लोक, बीजेपी अगेन्स्ट सगळ्या पार्टीचे लोक एकत्र आले आहे आणि महाराष्ट्र बंद ठेवले.